और चलिए अब आपको सुनाते हैं हैवानियत के दर्द की कहानी। डूंगरपुर जिले के गांव में 9 से 11 साल की मासूम बेटियां हेडमास्टर की हैवानियत की कहानी बयां करते हुए रो पड़ी। स्कूल का नाम सुनते ही उनकी रूह कांप उठती है। हैवानियत का दर्द सुनाते हुए बेटियां कहती हैं, अब तो स्कूल ही नहीं जाना है। ये रिपोर्ट देखिए। सरकारी स्कूल का डर्टी प्रिंसिपल, नाबालिग छात्राओं से दुष्कर्म, गुरु शिष्य के पवित्र रिश्ते को किया तार तार। डूंगरपुर जिले में सरकारी शिक्षक रमेश चंद्र कटारा ने अपने ही स्कूल में पढ़ने वाली छोटी छोटी मासूम बच्चियों को अपनी हवस का शिकार बनाकर शिक्षा के इस मंदिर को गंदा कर दिया। डूंगरपुर में सरकारी स्कूल से शर्मसार कर देने वाली ऐसी वारदात सामने आई है, जिसके बाद कोई भी अपने बच्चों को स्कूल भेजने से पहले कई बार सोचेगा। डूंगरपुर के सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल रमेश चंद्र कटारा ने अपने ही स्कूल की एक नहीं बल्कि करीब 6 लड़कियों को अपनी हवस का शिकार बनाया। फिलहाल आरोपी प्रिंसिपल रमेश चंद्र कटारा की गिरफ्तारी हो चुकी है। न्यूज 18 की टीम स्कूल पहुंची। स्कूल बंद था, चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। यही बंद कमरे और सूना बरामदा प्रिंसिपल की करतूत के साक्षी हैं। ये वही स्कूल है जहां पर शिक्षक रमेश चंद्र कटारा स्कूल की छोटी छोटी बच्चियों को कमरे के अंदर बुलाता था और उनके साथ हैवानियत करता था। इस स्कूल के अंदर अभी छुट्टी चल रही है। इस बरामदे में ये वही बरामदा है जहाँ पर वो बच्चियाँ खेलती थी और इन्हीं ये वही कमरे जहाँ पर उनके साथ ये हैवानियत की गई। अब आगे देखना होगा कि पुलिस इस केस को कितनी जल्दी सुनवाई कराते हुए और कोर्ट में चालान पेश करते हुए ऐसे हैवान शिक्षक को उसकी असली जगह तक पहुँचाती है। न्यूज 18 राजस्थान की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची और पीड़ित बच्चियों से बात की। इन मासूम बच्चियों ने जो बताया वो बहुत खौफनाक था। बेटा क्या हुआ था तुम्हारे साथ में? मुँह पे भी बैठा है और इनका भी पैसे देता है 10-20 रुपए और जूता पानी पिलाता है। तालाब में खेलने के लिए ले जाता है ना, तो स्कूल में लेके आते। कभी विरोध नहीं किया तुमने, मना नहीं किया प्रिंसिपल को? नहीं, हम जैसे करते ऐसे ही बोलो, ऐसे ही बोले थे। कैसे डराते धमकाते थे तुमको, कैसे क्या कहता था? नहीं, बादल में तालाब पर देखा ऐसे करके हमको लेके गए थे एक दिन उनके घर, तो इसलिए हमको बता दिया और खा जाएंगे ऐसे बोले थे। न्यूज 18 की टीम ने पीड़ित बच्चियों के परिवारजनों से बात की तो परिवारजनों का दर्द छलक आया। जो बच्चियाँ हैं उनके परिजन भी हैं, उनसे जानते हैं। कैसे पता चला आपको? हमको तो ऐसे पता चला, एक गुड़िया स्कूल गई थी, इसने इसके साथ बहुत हरकतें गंदी की थी। वो बैठ भी नहीं सकती थी, उठ भी नहीं सकती थी, कुछ नहीं। फिर इसने बोला कि घर पे मेरे मम्मी पापा ने पूछा तो भी इसको नहीं बताया। फिर पड़ोस वालों से पूछा कि ये हमसे नहीं बोलेगी, तू लेके जा एक साइड में, पूछना आई हूँ। तो वो खेतों में ले जाके इसको पड़ोस वाली आंटी होती है इससे बताया कि आंटी जी मेरे साथ हमारे साथ गुरुजी ऐसा ऐसा करते आई हूँ। तो फिर इसको आके सबको बताया कि तुम्हारी भी लड़कियाँ स्कूल जाती है तो उनसे पूछना कि गुरुजी ऐसे ऐसे स्कूल में सर कर रहे हैं, उनके साथ भी हूँ। तो जो बाकी लड़कियाँ थी हमको शाम को शाम के टाइम में सबको बुला के घर पे एक जगह अटका किया और हमने पूछा, बताया कि लड़कियों ने बताया कि हमारे साथ भी सर ऐसे ही करते हैं, गलत करते ही हूँ। सरकारी स्कूल का प्रिंसिपल रमेश चंद्र कटारा अब सलाखों के पीछे है। पुलिस ने आरोपी प्रिंसिपल के खिलाफ पॉक्सो एक्ट और दुष्कर्म समेत विभिन्न संगीन धाराओं में मामला दर्ज किया है। फिलहाल आरोपी से पूछताछ की जा रही है, लेकिन इस वारदात से जो भरोसा टूटा है उसको भरने में बहुत वक्त लगेगा। लेकिन अभिभावकों का भरोसा जीतने के लिए प्रशासन को बड़ी पहल करनी पड़ेगी। जयेश पवार, न्यूज 18 राजस्थान, डूंगरपुर।